हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज देखिए, हम दोनों लोग आए हैं चिड़ियाघर घूमने, और देखिए कितना सुंदर दृश्य है। फूलों का कलेक्शन देख लीजिए कितना अच्छा है, और उधर लिखा भी है सहेली स्मारक, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। आगे आगे जा रहे हैं देखिए, और हम भी चल रहे हैं, चल के देखते हैं, आपको भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे है। देखिए फूल वगैरह कितना अच्छा लगा हुआ है। देखिए हम लोगों ने टिकट ले लिया है और अंदर प्रवेश कर गए हैं, और हम लोग पहली बार आए हैं तो यहाँ पर पता नहीं है क्या क्या है। देखिए सब लोग बैठे हुए हैं, बच्चे भी खेल रहे हैं और सब लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं। हम लोग भी चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं क्या क्या है गोरखपुर के चिड़ियाघर में। देखिए कितना सुंदर दृश्य है चारों तरफ का, सारे लोग घूम रहे हैं। मौसम भी वैसे साथ दे रहा है, धूप था लेकिन बादल हो गया है। देखिए कितना अच्छा सजाया संवारा गया है, पूरा बनाया गया है अच्छे से। देखिए कितना दूर में बना है, बहुत बड़ा बाउंड्री है पूरा इसका, देख लीजिए कितना खूबसूरत चारों तरफ से बना हुआ है। और ये हैं राज के पापा, चल रहे हैं आगे आगे, और दिखाते हैं आपको। देखिए ये बैठा हुआ है मोर, वैसे मोर तो हम लोग बहुत देख चुके हैं लेकिन ये दूसरे कलर का है। देखिए हम लोगों वाला मोर दूसरा था और ये दूसरा है। ये देखिए तोता की आवाज़, कितने तोते इसमें बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं, इनकी आवाज़ सुन लीजिए आप लोग भी। देखिए कितना अच्छा से इन लोगों का घर बनाया गया है, चिड़िया का, मोर का, सब कुछ बहुत अच्छे से बनाया गया है। अलग अलग जीव जंतु, इधर फूल देखिए कितना अच्छा अच्छा है। लाइन से देखिए तोता बैठे हुए हैं, और ये देखिए दोस्तों इनकी चोंच कितनी लंबी है, मतलब मुंह। ये है सारस है, ये कितना क्यूट लग रहे हैं सब, सफ़ेद सफ़ेद। देखिए लंबी गर्दन वाले, लंबी मुंह वाले, लंबे मतलब। और पूरा इन लोगों का घर बनाया गया है कितना बड़ा, इसी में ये लोग रहते हैं, अपना खाते पीते हैं, टहलते हैं, सब कुछ इसी में। इनका पानी वगैरह भी है, सारा चीज़ रहने का। और देखिए कितना हसीन क्षेत्र है चारों तरफ का, जिसमें जा रहे हैं हम दोनों लोग। हाय करिए। देखिए कितने क्यूट फूल हैं चारों तरफ, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। और इस हंसी वादियों में आज हम दोनों लोग पहली बार गोरखपुर के चिड़ियाघर में घूम रहे हैं, और आपको भी ले चल रहे हैं साथ साथ। देखिए बहुत दूर में है इसका क्षेत्र, देखा, और कितना बाउंड्री है पूरा। हम लोग जा रहे हैं पार करते हुए, अभी तक हम लोगों ने कोई भी बाघ शेर नहीं देखा। अब आगे चलते हैं, अगर दिखेगा तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। और सीन तो आप देख ही रहे हैं कितने अच्छे सीन हैं, कितना खूबसूरत। नहीं, और देखिए कितना चिड़ियाघर को सजाया संवारा गया है। महात्मा बुद्ध की प्रतिमा, इधर बाघ बनाया गया है, मछली भी बहुत सुंदर सुंदर मछली बनाई गई है। देखिए कितने बड़े बड़े, कितना खूबसूरत सीन चारों तरफ का।
देखिए सब लोग अपना आराम कर रहे हैं। कितना खूबसूरत दृश्य। और चलते हैं आगे, फिर आपको दिखाते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा बनाया गया है, इतना बड़ा। और ये देखिए अब असली गैंडा, अभी तक तो नकली का आप लोग देख रहे थे, देखिए अपना भोजन कर रहा है। और कितना अच्छा बनाया गया है इन लोगों के रहने के लिए स्थान। इधर भी है, दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ भी गैंडा ही है, अपना भोजन कर रहा है। और पानी है, वैसे घर है, इन लोगों के लिए बनाया गया है रहने का स्थान। और सीन तो काफ़ी खूबसूरत है, आप देख ही रहे हैं किस तरह से पूरा बनाया गया है। और इधर भी हैं, बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। और सारे लोग देखते हुए अपना आ रहे हैं, हम लोग भी चल रहे हैं। देखिए ये सारी गुफाएं बनी हुई हैं। शेर है यहाँ पे, लेकिन कुछ भी दिख नहीं रहा है, कहाँ है, इसी गुफा में होगा। अच्छा वहाँ पर है, देखिए उधर है, दहाड़ रहा है, शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुन लीजिए। वैसे धूप है, हमको साफ स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन देखिए शेर कितना तेज तेज आवाज़ में दहाड़ रहा है, भयंकर गर्जना करते हुए। देखिए अगर पा जाए तो किसी को भी उठा ले जाएगा वो, लेकिन अंदर है पूरा, इतना बना हुआ है इसका एरिया रहने के लिए पूरा, बहुत दूर में, और इसी में रहता है। और देखिए ये बाघ के रहने का स्थान बनाया गया है, सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो भी शायद अपने गुफा में बैठा होगा कहीं पे। और देखिए कितना बड़ा एरिया में बनाया गया है, ये पूरे चिड़ियाघर का सैर आपको करा रहे हैं। अगर एक वीडियो में नहीं भी हो पाएगा तो हम आपके लिए अगली वीडियो भी, इसका पार्ट टू भी लाएंगे, उसको भी देखिएगा ज़रूर। और घर बैठे पूरे चिड़ियाघर का करिए दर्शन अच्छे से, जो जो भी इस समय उपलब्ध हैं उसको दिखाने का प्रयास हम कर रहे हैं। हाँ देखिए इस गुफा के अंदर जो है सोया हुआ है बाघ, अभी वो जगह होता तो इधर दिखाई पड़ता स्पष्ट, लेकिन सोया हुआ है अभी। और देख लीजिए सब लोग आ रहे हैं देख करके।